कि तुमसे जुदा हो के हम तबाह हो गए। वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। बट फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं कलंक फिल्म का मोस्ट प्रोबेबली लास्ट सॉन्ग, जो इसके फिल्म के रिलीज के पहले आएगा। बाद में अब कौन से गाने आएंगे तो हमें फिल्म में देख के पता चलेगा। लेकिन तबाह हो गए पिक्चराइज ऑन माधुरी दीक्षित, संग ब्यूटिफुली बाय द मेजराइजिंग वॉइस ऑफ श्रेया घोषाल। एंड गाइज, ये गाना रिव्यू करना बहुत आसान इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें द डांसिंग माधुरी दीक्षित है। पहला टॉपिक ये रहेगा। दूसरा टॉपिक जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं आज के एपिसोड में, वो है कलंक का ऑफिशियल रन टाइम, क्योंकि रन टाइम सामने आ चुका है अलोंग विद द सीबीएफसी रेटिंग ऑफ दिस फिल्म। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। एंड किस तरह, बस आज से एक हफ्ते और एक दिन के बाद, यानी कि लगभग 8-9 दिन के बाद, आप कलंक अपने नजदीकी सिनेमा घरों में देखोगे ऑन द 17th of April। तो चलिए गाइस पहले गाने से शुरू करते हैं। तबाह हो गए, व्हाट अ सॉन्ग। आई मीन, ये गाना मैंने 2 बार देखा एंड आई एम आउट फॉर द रिव्यू। यूजुअली मैं सॉन्ग्स को 5-6 बार देखता हूँ, उनका पहले बीट समझता हूँ, इज इट गोइंग विद द स्टेप्स, डांस बराबर से हो रहा है नहीं हो रहा है, जिंग है कि नहीं गाने में, लॉन्ग रन में चलेगा नहीं चलेगा। ये गाना स्टार्टिंग के 15-20 सेकेंड में ही कान को पसंद आने लग जाता है। एंड दूसरी बार आप सुनते हो तब आपके जबान पर इसके लिरिक्स गुनगुनाना शुरू हो जाते हैं। इंडियन क्लासिकल डांस बहुत ही ट्रिकी रहता है। यूजुअली जो हीरोइंस है हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, जो आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश करती हैं, वो हीरोइंस जो छोटी चड्डी पहन के या फिर स्विम सूट में ज्यादा आकर्षित करती हैं ऑडियंसिस को, वो जब बड़े पर्दे पर भारतीय नृत्य करते हुए नजर आती है, तो बहुत समय ऐसा हुआ है जब उनका मजाक बन गया है। ऐसे स्टेप्स जो सरोज खान जी ने दिए हैं, मास्टर सरोज खान, और हमारे कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने, मोस्ट ऑफ द स्टेप्स आर गिवन बाय सरोज खान जी हरसेल्फ, इतने ट्रिकी है, इजी लग रहे करने में। अगर कोई दूसरी एक्ट्रेस इन स्टेप्स को करती थी, स्पेशली द सिग्नेचर स्टेप ऑफ तबाह हो गए, एक वुड बीन अ हैव बीन अ मॉकरी ऑन स्क्रीन, काफी कॉमिकल लगता। लेकिन जिस ग्रेस, जिस एलान, जिस स्टाइल और जिस तरह से माधुरी दीक्षित जी ने इनको स्क्रीन पे परफॉर्म किया है, द सिग्नेचर स्टेप ऑफ दिस सॉन्ग विल बी अ ट्रेंड सेटर, ट्रस्ट मी ऑन दिस वन। आई मीन, जिस तरह से 1-2-3 की जोड़ी सरोज खान जी और माधुरी दीक्षित की वापस आई है, इट इज अ रियली ऑनरेबल मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम आज भी माधुरी दीक्षित को डांस करते हुए देख रहे हैं। फुल मार्क्स टू करण जौहर फॉर स्पेंडिंग बकेट्स एंड बकेट्स ऑफ मनी। इतना बेहतरीन एंड पिट टू पैट सेट्स मैंने बहुत महीनों के बाद देखा। ऑब्वियसली हमने पद्मावत में देखा था, लेकिन उसके बाद फुल मार्क्स टू अमृता महल नकाई, जिसने प्रोडक्शन डिजाइन किया इस फिल्म का। अगर फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई एंड शी इज टेकिंग अवे ऑल दी अवार्ड्स, क्योंकि ताराजी नेक्स्ट ईयर आ रही है, इसके सेट्स इक्वली इसके टक्कर में होंगे। लेकिन गाइज, अगर बात करें संगीत की, तो प्रीतम दा हैज गिवन द म्यूजिक ऑफ हिज लाइफ टाइम, इज कमिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ही हैज सम ब्यूटिफुल ट्रैक्स इन दिस मूवी। वी हैव बाकी सब फर्स्ट क्लास है, वी हैव कलंक है, इश्क तेरा, काजल, वो वाला गाना, दिस सॉन्ग, ऑल द सॉन्ग्स ऑफ कलंक आर सुपर्ब, बहुत ही अच्छे लगते हैं सुनने के लिए। एंड गाइस, अब बात करते हैं हम लोग फिल्म के रन टाइम के बारे में। वेल फ्रेंड्स, कलंक को यूएस सर्टिफिकेट मिल चुका है सेंसर बोर्ड से, लेकिन इसका जो रन टाइम है वो आपके लिए थोड़ा निराशाजनक हो सकता है। 2 hours 48 minutes, यस मेरा भाई, ऑलमोस्ट 2 घंटे 50 मिनट कि ये फिल्म होने वाली है। तो गाइज, काफी बड़ी फिल्म है आज के जमाने में। यूजुअली पीपल लाइक टू वॉच पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट, लेकिन गाइज इससे पहले भी बहुत सारी फिल्में बन चुकी है। एंड गाइज, इतने बड़े मैसिव स्टारकास्ट, वरुण धवन, आदित्य रॉय कपूर, बाबा, माधुरी दीक्षित, देन यू गॉट सोनाक्षी सिन्हा, कुणाल खेमू, आलिया भट्ट, इन सारे लोगों को एक फिल्म में इंकॉर्पोरेट करने के लिए यू नीड अ रन टाइम लाइक दिस। अब देखते हैं क्या ऑडियंस बोर होती है नहीं, लेकिन आफ्टर अ वेरी कोल्ड रिस्पॉन्स टू द ट्रेलर एंड सच अ बिग रन टाइम, आई डोंट नो व्हाट इज इन स्टोर फॉर कलंक। लेकिन इतना श्योर है कि 17 अप्रैल को जब ये फिल्म ओपन होगी, तब एक ट्रमेंडस ओपनिंग लेने वाली है। इस फिल्म की ओपनिंग जबरदस्त होगी, क्योंकि यूथ में फैन फॉलोइंग है। आई स्टिल रिमेम्बर
ट्रैशिंग बद्रीनाथ की दुल्हनिया। मैंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया को ऑलमोस्ट 1.5-2 स्टार्स दिया था। आई जस्ट डिड नॉट लाइक दैट मूवी, लेकिन उस फिल्म को जो यंगस्टर्स थे उन्होंने इतना पसंद किया, वो फिल्म सुपर डुपर हिट फिल्म है। और गाइस कलंक का जो फर्स्ट हाफ रहेगा वो 1 घंटा 19 मिनट का रहेगा और इसका दूसरा हाफ 1 घंटा 28 मिनट का रहेगा। इतना बोल सकता हूँ जितना आई नो, लास्ट के 15 मिनट स्टैंडिंग ओवेशन होने वाले इस फिल्म के, इतनी इसकी गारंटी आपको दे सकता हूँ। लास्ट के 15 मिनट इस फिल्म को सेट कर देंगे ऑडियंस के लिए, और अगर ये क्लिक हो गई मेरा वाइब, देन इट विल बी वरुण धवन बिगेस्ट हिट टिल डेट। ओके गाइस, एपिसोड पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने तबाह हो गाना नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, देखिए। सिमिया मेरन साई साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज सेम, stay cool man. Kalank releases at 17th April 2019 in a cinema near you.